Assalamualaikum, my dear students. Today is Saturday, 25th July 2020. I am teaching a subject, credit trading of grade 5. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 39, रॉबिन्सन क्रूसोज हाउस, रॉबिन्सन क्रूसो का घर. इसकी करेंगे हम ट्रांसलेशन और डिक्टेशन पैराग्राफ. सबसे पहले हम इसका डिक्टेशन पैराग्राफ देखते हैं, जो कि है पेज नंबर 175 पर, बिफोर से लेकर एट द टॉप तक. आपको ओपन करना है अपनी बुक का पेज नंबर 175. ये है आपका डिक्टेशन पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिफोर से लेकर एट द टॉप तक. ये पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम ट्रांसलेशन लाइंस करेंगे. बिफोर आई सेट अप माई टेंट आई ड्रू अ हाफ सर्कल बिफोर द हॉलो प्लेस. In this half circle, I pitch two rows of strong stakes, driving them into the ground till they stood very firm. The end of each stake stood out of the ground about 5.5 feet and was sharpened at the top. ये हो गया इसका dictation paragraph. अब हम इसकी translation lines देखते हैं. सबसे पहले हमारी जो translation line है वो है पहली ही इस lesson की, पेज नंबर 174 की पहली लाइन है. आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ अ राइजिंग हिल. आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ अ राइजिंग हिल. मैंने उभरी हुई पहाड़ी के पहलू में एक छोटा मैदान देखा. मैंने उभरी हुई पहाड़ी के पहलू में एक छोटा मैदान देखा. ये है इसकी ट्रांसलेशन ओवरऑल. मैंने उभरी हुई पहाड़ी के पहलू में एक छोटा मैदान देखा. अब देखते हैं पेज नंबर 175 की ट्रांसलेशन. ये है लास्ट लाइन इस पेज की. दिस फेंस वाज सो स्ट्रांग दैट नाइदर मैन और नॉर बीस्ट कुड गेट इन टू इट और ओवर इट. ये बाड़ इतनी मजबूत थी कि ना तो कोई शख्स और ना ही कोई जानवर इसके ऊपर से अंदर आ सकता था. ये बाड़ इतनी मजबूत थी कि ना तो कोई शख्स और ना ही कोई जानवर इसके ऊपर से अंदर आ सकता था. एक बार फिर से देखें. ये बाड़ इतनी मजबूत थी कि ना तो कोई शख्स और ना ही कोई जानवर इसके ऊपर से अंदर आ सकता था. ये इस पेज की ट्रांसलेशन हो गई. अब टर्न करें नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 178. इस पेज पर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे 178. वी हैड इन द शिप अ डॉग एंड टू कैट्स. जहाज में एक कुत्ता और दो बिल्लियां थीं. हमारे पास जहाज में एक कुत्ता और दो बिल्लियां थीं. एक बार फिर देखें. हमारे पास जहाज में एक कुत्ता और दो बिल्लियां थीं. अब नेक्स्ट करें पेज नंबर 179 पर. ये लाइन पहले भी मैंने मेंशन कराई थी आपको ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. He was a trusty servant to me for many years. पेज नंबर 179 की लाइन है. He was a trusty servant to me for many years. वो कई सालों से मेरा काबिले भरोसा नौकर था. वो कई सालों से मेरा काबिले भरोसा नौकर था. बुराल देखें. वो कई सालों से मेरा काबिले भरोसा नौकर था. ये थी इस लेसन की ट्रांसलेशन.
होप यू हैड अंडरस्टूड इट. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.